1861 में बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार और चित्रकार रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। राष्ट्रगान जनगण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, अमार सोनार बांग्ला, गीतांजलि, पोस्टमास्टर, मास्टर साहब, गोरा, घरे बायरे आदि रवींद्रनाथ की प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मान से नवाजा गया था। 1880 में संस्कृत साहित्यकार पांडुरंग वामन कर्णिक का जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचना धर्मशास्त्र का इतिहास 5 भागों में प्रकाशित है। यह ग्रंथ भारतीय धर्मशास्त्र का विश्वकोश है। 1924 में वीर क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू का निधन हुआ था। सीताराम राजू ने लोगों के मन से अंग्रेज शासन के डर को निकाल फेंका और उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने को प्रेरित किया था। 1945 में जर्मनी ने यूरोप के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया था और इसी के साथ यूरोप में 6 साल से चल रहा युद्ध खत्म हुआ। जर्मनी के जनरल गुस्ताव जोडल ने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किया था। इस दिन को ब्रिटेन में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। और आज एक दिन 1956 में ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री आरएच टर्टन ने सरकार की तरफ से चलाए जा रहे धूम्रपान विरोधी अभियान को खारिज कर दिया था। टर्टन ने कहा था कि अभी तक धूम्रपान के कोई भी बुरे प्रभावों के तथ्य सामने नहीं आए हैं, इसलिए ऐसे अभियान की कोई जरूरत नहीं है।